गाइस माय सिल्विया एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक्चुअली हम लोग अभी जा रहे हैं न्यू मार्केट। बहुत तपती हुई धूप है, अभी 3:30 बज रहे हैं। आप लोग समझ रहे हो कोलकाता में क्या लू बह रहा है, पर हम लोगों का कोई भी रास्ता नहीं है। हम लोगों को अभी जाना पड़ेगा क्योंकि रायू को माँ के पास सुला के अभी हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि शादी का 2-3 दिन से तबीयत इतना ख़राब था और रायू का बर्थडे का सारा काम हम दोनों को ही मैनेज करना पड़ रहा है। तो मतलब कुछ भी काम नहीं हुआ, शादी का कपड़ा भी नहीं हुआ। तो आज अगर नहीं जाएंगे तो नहीं, आज एक्चुअली थर्सडे हो गया तो कब होगा, बहुत सारा काम बाकी है। रिलेटिव्स के पास जाना मतलब, और शाकिब का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। पता नहीं यार किसका नज़र लग गया शाकिब को, मतलब कल उसका माना जैसा होता है कि नहीं थोड़ा सा मिर्चा दिखते हैं घुमा के, तो उसका बिल्कुल भी स्मेल नहीं आया। तबीयत इतना मतलब उसका लो लो फील हो रहा था अजीब। और पता है मेरे साथ क्या हुआ, मेरे पूरे मुँह में पिम्पल्स आ गए यहाँ पे जो मेरा कभी नहीं होता है, तो रायू के बर्थडे से पहले ही हो गया। पता नहीं यार, नज़र इज रियल यार। तो चलो निकलते हैं, वहाँ जाके मिलते हैं। एक्चुअली आए हैं ना शाकिब का ड्रेस लेने। शाकिब खुद समझ ही नहीं पा रहा है कि वो क्या पहनेगा। तो अभी हम लोग देखो आज के गाउन लगे थे, वो दिन के गाउन छिलो ना, इधर की बहुत मई श्रेही थी, गाउन बेस भल लगे। अब जिज्ञेस करबो, देखो ये गाउन अच्छा लग रहा है ना, देखो ये वाला अच्छा लग रहा है ना। देखो उस दिन नहीं लगाया था, क्या अजीब हाल है। चलो पहले जो काम के लिए आए हैं वो करके आते हैं। देखो ईद के टाइम में लगाना चाहिए था, अब छुपा के रखा था। ये एक्चुअली शादी के लिए, रिसेप्शन के लिए लगाया। देखो इधर भी तो गाउन, ये देखो यहाँ पे भी कितने सारे गाउन, सारे साल तेरी क्या लोचा हो गया ये। उस दिन कितना गाउन ढूंढे नहीं मिला। शाकिब को बोल रहा है एक बार मान्यवर में देख लो, वो बोल रहा है यहाँ पे मेरे जैसा नहीं मिलेगा, तुमको जैसा चाहिए यहाँ पे नहीं होगा। मुझे पता नहीं, अगर देखते हैं अगर मिले। अरे बोल तो रहे, एक बार देख तो लो, अगर नहीं मिले तो निकल आएंगे और क्या। ठीक है चलो। नहीं मान्यवर के अंदर कुछ भी नहीं मिला, मतलब लेजर नहीं है उनका, कुछ कलेक्शन है एक दो, तो वो वेडिंग का है, रिसेप्शन का है। तो अभी यहाँ से सक्सेस में जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे अगर कुछ मिलता है, नहीं तो आर्केड की तरफ जाना पड़ेगा। ये गर्मी में घूम घूम के शॉपिंग कर रहा, बाप रे। यहाँ पे कुछ अच्छा लग रहा है, यहाँ पे तो बहुत सारे है, मुझे आइडिया नहीं है ब्लेजर का। तब भी देखिए ये देखा, ब्लैक तो ऑलवेज गुड। मेरा तो शॉपिंग हो गया, मतलब एक प्रोडक्ट हो गया, अभी भी 2 प्रोडक्ट बाकी है, वो शायद यहाँ से होगा कि नहीं होगा पता। रिया का अभी ज्वेलरी देखने आ गई रिया, मेरा ड्रेस को मैच, तभी तो समझ में आया। हाँ देखो न्यू मार्केट आने से उसको ये सब चीज याद पड़ जाता है। हमारे कहते हैं कितनी बार नाकाम कोशिश करते हुए, ওটা একদমই ছোট প্লেন হয়ে গেল ব্যাপারটা। এমনি সময়ের জন্য ঠিক আছে, বাট অকেশন আমার এই কানের গুলো খুব ভালো লেগেছে, কিন্তু এগুলো তো বড়দের নয়, এগুলো বেশ ভালো লেগেছে। এই তো এটা, এগুলো আমার এই নাম ফিক্স পেছড়া দেন মতো খুব গর্জিয়াস লাগবে না, তাহলে ওই সিম্পল গুলো ঠিক লাগবে। मतलब इतना चॉइस रहता है ना तो इंसान का सर घूम जाता है। वही बात है, या थक के हार मानते हुए क्योंकि कुछ मिला ही नहीं, मेरा इयररिंग जैसा चाहिए था एलजी जगह नहीं मिला, और मुझे पता भी नहीं और कहाँ मिल सकता है, मतलब इम्पॉसिबल था। अभी ऑनलाइन भी ऑर्डर कर, ऑलमोस्ट हम लोगों ने 10 से 12 दुकानें देख ली, मिला ही नहीं कहीं पे, चिंता हो गया। बाहर वाले शॉप्स में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और यहाँ से हम लोग रायू के लिए कुछ टॉयज खरीदते हुए,
হ্যাঁ এটাই ভালো, এটাই ভালো, চিপ টিপবে চলে যাবে, এটাই ভালো। হ্যাঁ रोजा के बाद अभी फिर रिया को ड्रिंक के बाद ये कभी आओगे तो यहाँ का ये ड्रिंक ट्राई करना एकदम। मैंने मैंने ना शाकिब को बोला था कि एक दिन ये पीके इतना अच्छा लगा तो हमारे वहाँ से एक बहुत ही नामी दामी दुकान से लाया, पर इस ड्रिंक के सामने बिल्कुल पीका है, वो एकदम स्वीट वाला, पर इसका टेस्ट बहुत बेहतर है और प्राइस भी बहुत कम है। पूरा न्यू मार्केट घूम लिया पर मुझे मेरा इयरिंग ही नहीं मिला, मैं क्या करूँगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि थाकी उसकी जीरो लगेगा, मैं एकदम बांदरी लगूंगी। फालतू का बात मत बोलो, तुमने पहले कर दी तो मम्मा क्या खा रही है पापा शायद बाबा टोस्ट कर दी। देखो देखो देखो, जब भी हम लोग चाय पियेंगे ना तब उसको आ जा मन मतलब याद आ जाती है, रूटीन है कि मुझे भी पीने के वक्त थोड़ा मैं टोस्ट खाती हूँ। मैं यहाँ पे खा रही हूँ फिंगे कचौड़ी, मैं तब तक फिंगे कचौड़ी खा लेती हूँ, तब तक चलो आप लोगों को घुमा भी लाती हूँ। राइन का जो बैंकवेट बुक किया है आप लोगों को बहुत ईगरली देखना था, चलो दिखा देते हैं। तो ये है एकदम नीचे का हॉल, अच्छे से दिखाओ। तो ये है नीचे का हॉल, ये पूरा एसी है, सबसे अच्छी बात है क्योंकि गर्मी का टाइम है और रायु का जब बर्थडे है तो बहुत ही गर्मी है, तो यहाँ पे होगा स्टार्टर वाटर का जगह, यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे सोफे वोफे भी बहुत अच्छे खासे दिए गए हैं और तीन फ्लोर है, फर्स्ट ये है और दो है ऊपर, तो चलो वो भी देख लेते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, ना देख के बुक कर दिए थे पता है, क्योंकि मैंने बोला था मैं आया हूँ, शाकिब बहुत बार आया है, उसका दोस्त का भी शादी वादी हुआ था। वाओ ये फ्लोर बहुत ही सुंदर लग रहा है, यही केक कटिंग वाला फ्लोर है, ये बहुत ही बड़ा है, तो यहाँ पे होगा केक कटिंग वगैरह। तो देख लो अभी आए थे हम लोग, केक मतलब क्या डेकोरेशन होगा वो सब भी देख लेंगे, आई थिंक उस साइड डेकोरेशन होगा राइट। और ये जो देखो ब्लू कलर का ये फॉल सीलिंग किया हुआ है, इसमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा तो है, स्पेशियस भी काफी अच्छा है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे बाहर भी देखने का रोड देखने का अभी जगह है, तो मतलब कोई भी बच्चा बोर नहीं होगा, और एसी भी है साथ में, सबसे बड़ी बात तो एसी है, ये अच्छा है, बोलो गर्मी के टाइम में और बहुत मुश्किल हो जाती है। तो चलो ऊपर का फ्लोर देख के आते हैं, चलो ऊपर जहाँ खाने वाले आते हैं। चलो आ जाओ तुम मेरे साथ, आ जाओ चलो मिनिटर ना बस समझ, चलो ऊपर का देख के आते हैं। देखो ऊपर का भी सेम ही है, स्पेशियस तो सब जगह ही है, ये और भी ज्यादा स्पेशियस। हाँ, यहाँ खाने के लिए है जगह, सो या हम लोग सोच रहे हैं बुफे होगा कि बैठ के खाना खिलाएंगे, समझ में नहीं आ रहा है, वो बाद में उनको बता के जाएंगे। तो, ये इधर इधर का स्पेस तो और ज्यादा है, और यहाँ पे रूम भी है बोला है वो लोग। हाँ है नीचे शायद, ये सब होगा इसके अंदर। हाँ, और यहाँ पे भी बालकनी है। सो या आप लोग बताना अभी कि रायु के लिए जो ये बैंकवेट बुक किया आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि आप लोगों का सबसे ज़्यादा क्वेरीज था कि रिया दी आप छुप छुप के कर रहे हो, दिखाए नहीं, एक्चुअली हम लोग भी नहीं आ पा रहे थे, आप लोगों को तो सब जानते ही हो, तो चलो या बताओ अभी आप लोग कैसा लगा आप लोगों को बैंकवेट घूम के। आई थिंक अच्छा लगा, हमारा मेम्बर्स उतना नहीं है पर लेने का एक ही मकसद है, क्योंकि हमारा मेंबर बहुत ही कम है, ऐसा नहीं कि मतलब नॉर्मल, पर ये लेने का कारण ये था ना, एक ड्रीम होता है ना कि ये करेंगे ये लेना है, एक्चुअली हमारा एक ड्रीम था कि अगर करना है तो यहीं पे करेंगे,
नहीं तो रायु के अन्नप्राशन के टाइम पे भी सोचे थे, पर तब हो नहीं पाया था। और तब हम लोगों के यहाँ पे कुछ हॉल्स मतलब हुआ था, मिला था, तो वो हम लोग चाहते नहीं थे, तो इसीलिए सोचे कि नहीं बंद में वो थोड़ा सा समझ भी जाएगी, उसको अच्छा भी लगेगा और एकदम मन पसंद जगह मिला है, इसीलिए वो लिया है बस। नहीं तो इतना बड़ा जगह हमें चाहिए भी नहीं था, नॉर्मल लेने से भी हो जाता, पर होता है ना कि शौक हम लोग पूरा करना चाहते हैं। चलो हम लोग के लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा, ना हम लोगों का शादी वैसे हो पाया, ना एनिवर्सरी हो पाया, कुछ भी नहीं हो पाया, तो आज राजू का बर्थडे करने जा रहे हैं और हमारे जो जगह मेन पसंद था उसमें, तो इसीलिए और भी, और आप लोगों को तो और अच्छा लगेगा जब उसमें डेकोरेशन होगा। हम लोग उसमें जो डेकोरेशन दिए हैं भैया को करने के लिए बैकग्राउंड, वो भी देखे आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। आई होप आगे का ब्लॉग बहुत धमाकेदार होने वाला है, आप लोग स्टे ट्यून रहो रायु का बर्थडे ब्लॉग के लिए। बोलूं तो और बाकी है तीन दिन बाकी है, मेरा एक्साइटमेंट लेवल यहाँ पे आ गया है। एंड आई नो कि आप लोगों की रायु का फर्स्ट बर्थडे है, जितना मैं रायु को प्यार करती हूँ आप लोग भी उतना ही प्यार करते हो, एंड आई नो कि आप लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, रायु भी बहुत एक्साइटेड है, सब कुछ चुमा दे दो, बोलो कितना एक्साइटेड हो, बोलो जल्दी, बोल दो जल्दी कॉमेंट करके कितना एक्साइटेड हो आप लोग, बहुत धूम मचेगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ और भी कुछ शेयर करूंगी, आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना ड्रेस, रायु का ड्रेस, आदित्य का ड्रेस सब शेयर कर दूंगी, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है। तो तब तक के लिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी, और बैंक्वेट कैसा लगा मुझे जरूर कॉमेंट करके बताना, और आप लोग कितना एक्साइटेड हो वो भी बताना। सो बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट।